सौरम सत्संग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले सप्ताह आपसे बात किया था कि गॉड इज अ प्रोवाइडर, परमेश्वर सारी चीजों का प्रबंध करता है और उसने प्रबंध किया हमारे लिए हर चीज का, आत्मिक, शारीरिक और भौतिक, ताकि मनुष्य उसका आनंद उठा सके। और बिब्लिकल फाइनेंस या बाइबल की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझने के लिए हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और मैं आज आपसे बात करूंगा गलती की किताब उसका 3 अध्याय उसके 13 पद में, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बना ताकि इब्राहिम की जो आशीषें हैं हम सभी विश्वासियों तक पहुंच सके। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि इब्राहिम की आशीषें हर एक विश्वासी के पास पहुंच सके। और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है कि हम उस प्रतिज्ञा के भागीदार हैं जो उसने इब्राहिम से की थी। और 16 में इस प्रकार से लिखा है कि यह प्रतिज्ञा इब्राहिम के वंश मींस मतलब यीशु मसीह से की गई थी और वो हम सब के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये प्रतिज्ञा क्या थी? What is the promise? वो promise क्या था? प्रतिज्ञा क्या थी जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी कि हमारे लिए भी आज वो मिले? और वो पाई जाती है उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 2 और 3 पद में, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह उससे एक बड़ी जाति बनाएगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह उससे एक बड़ी जाति बनाएगा और उसे आशीष देगा और उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। ये उसने आशीष दी थी कि वो उससे एक बड़ी जाति बनाएगा, उसे आशीष देगा और उसके द्वारा पृथ्वी के सारे कुल, हर एक जन आशीष पाएंगे। और गलती की किताब 3 अध्याय 29 पद में इस प्रकार लिखा है कि इब्राहिम के साथ वाचा इसीलिए बांधी गई थी कि हम आशीष पाएं और संसार के सारे कुलों के लिए आशीष बन जाए। यह आज संभव हुआ है यीशु मसीह के द्वारा ही पूरा हो पाया है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। उद्धार मतलब पापों की क्षमा, पाप और मृत्यु की सामर्थ्य का समाप्त हो जाना, शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, गरीबी से छुटकारा और आजादी। यही शुभ समाचार है, यही अच्छा समाचार है जो हमें समझने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने इब्राहिम को आत्मिक, शारीरिक और भौतिक आशीषें दी। यही सब उद्धार में सम्मिलित है। आज हम भी उसी कुल के लोग हैं, आप भी उसी कुल के लोग हो और हम सभी आशीष पाएंगे, हम सबको आशीष मिलेगी। परमेश्वर आपको भी उसी आशीष का वारिस बनाएगा और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उत्पत्ति की किताब उसका 12, 13, 14 अध्याय में यही इब्राहिम की आशीष के बारे में बताया गया है। आप भी इब्राहिम की आशीषों को पाएंगे। परमेश्वर ने आपको भी उसी आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। मे गॉड ऑफ इब्राहिम ब्लेस यू थ्रू जीसस क्राइस्ट टू अंडरस्टैंड द बिब्लिकल फाइनेंस। अगर हमको बाइबल की अर्थव्यवस्था समझनी है तो आपको ये जो मैंने सिद्धांत बताए हैं इसको समझना बहुत आवश्यक है। इब्राहिम की आशीष क्या थी कि मैं क्या करूंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तुझको आशीष देने के संग क्या करूंगा, मैं तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुलों को आशीष दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर हमको भी आशीष देना मांगता है, वो हमको भी अपनी उसी आशीष से भरना मांगता है। वो चाहता है कि उसके लोग भी इस बात को समझे। हमको ये समझना है, अगर हमें
बिब्लिकल फाइनेंस समझना है, बाइबल की अर्थव्यवस्था समझनी है, तो इस इब्राहिम की आशीष को जो उसने उत्पत्ति की किताब में दिया था हमको समझना जरूरी है। और जिस दिन हम इस इब्राहिम की आशीष को समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे फाइनेंस के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, बाइबल के बारे में, बाइबल क्या कहती है पैसों के बारे में, कैसे पैसों का रख रखाव किया जाए उसके बारे में, पैसे का कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में। और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और आपको इन सिद्धांतों को मैं बताने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा कि बाइबल की अर्थव्यवस्था क्या कहती है पैसों के बारे में, बाइबल क्या कहती है पैसों के बारे में। आज हर एक को पैसे की आवश्यकता है। इस कोरोना पॉजिटिव जो महामारी का जो समय चल रहा है उसमें हर एक को पैसे की आवश्यकता है। बहुत से लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं, बहुत से लोगों पर पैसे की समस्या आ गई है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे परमेश्वर आपको इस समय में भी आशीषों से भरना चाहता है, आपको देना चाहता है, बिकॉज गॉड इज अ प्रोवाइडर। परमेश्वर प्रबंध करता है। उसने इब्राहिम की आशीष का प्रबंध किया आपके लिए, उसने यीशु मसीह को आपके लिए प्रबंध किया, वो आगे भी करता रहेगा। आज उसने पवित्र आत्मा आपको दिया है, वो देता ही रहता है, हमको देता ही रहता है, और हमको इसको समझना जरूरी। प्रभु करे कि आप इस आशीष को समझ सकें, इस बिब्लिकल फाइनेंस को समझ सकें, इस अर्थव्यवस्था को समझ सकें कि कैसे आप इसका आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आने वाली सीरीज में पैसा, पैसे का उपयोग, पैसा किस प्रकार से कार्य करता है, फाइनेंस के बारे में आपसे बात करूंगा। प्रभु करे कि आप भी इस बिब्लिकल फाइनेंस के द्वारा आशीष पाए और आप भी इस इब्राहिम की आशीष के वारिस हों। आप सब वारिस हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने उद्धार पाया, आप सब वारिस हैं। लेकिन हमको समझना है उस वारिस को, उस बात को जो उसने इब्राहिम से की थी, वो आज आपके लिए भी है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।